हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के जोड़ी में बनी तमाम फिल्मों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे उन सभी फिल्मों के बजट के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी ने अब तक अपने फिल्मी कैरियर में टोटल 14 फिल्मों में एक साथ काम किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं उनकी जोड़ी में बनी पहली फिल्म की तरफ। 22 नवंबर 1985 को आई थी उनकी जोड़ी में बनी पहली फिल्म आर पार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ रोजीना, उत्पल दत्त, रंजीत और सादाशिव अमरापुरकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बजट था उनकी इस फिल्म का 1 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 1 करोड़ और पूर्वल में 2 करोड़ रुपये के कलेक्शन किया था और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। उसके बाद 14 फरवरी 1986 को आई थी उनकी जोड़ी में बनी दूसरी एक्शन ड्रामा फिल्म जाल। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ जितेंद्र, मुनमुन सेन और रेखा ने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने और जिसका बजट रखा गया था 1.5 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 3 करोड़ और पूर्वल में 5 करोड़ रुपये के कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 15 मई 1987 को आई थी उनकी जोड़ी में बनी तीसरी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म डांस डांस और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बब्बर सुभाष ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के अलावा स्मिता पाटिल, दिलीप ताहिल, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर लीड रोल में नजर आए थे। बजट था उनके इस फिल्म का 1.5 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 3 करोड़ और पूर्वल में 5.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 17 जून 1987 को आई थी उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म हवालात। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ पद्मिनी कोलाकपुरी, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिता राज और अमरीश पुरी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे और बजट था उनके इस फिल्म का 1.5 करोड़ जिसने इंडिया में से कमाई थी 2 करोड़ और पूर्वल में 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। 13 नवंबर 1987 को आई थी उनकी फिल्म परम धर्म और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्वरूप कुमार ने। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ दिव्या राणा, मौसम चैटर्जी और अमरीश पुरी लीड रोल में नजर आए थे और उनकी इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ और इसने इंडिया में से कमाए थे 1.5 करोड़ और पूर्वल में 3 करोड़ रुपये के कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। उसके बाद 4 अगस्त 1988 को आई थी उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जीते हैं शान से जिसे डायरेक्ट किया था कबल शर्मा ने। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ गोविंदा, संजय दत्त, विजेता पंडित और डैनी और इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ और इसने इंडिया में से कमाए थे 3.5 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 6.5 करोड़ रुपये के कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 3 जून 1988 को आई थी उनकी जोड़ी में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म कमांडो और उनके इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बब्बर सुभाष ने। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ किम, हेमंत बिरजे, डैनी और शक्ति कपूर लीड रोल में नजर आए थे। बजट था उनके इस फिल्म का 2 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 3 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। उसके बाद 21 जुलाई 1999 में आई थी उनकी जोड़ी में बनी फिल्म हिसाब खून का और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ पूनम ढिल्लो, राज बब्बर और अमरीश पुरी ने अहम भूमिका निभाई थी। बजट था उनकी इस फिल्म का 3 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 3 करोड़ और पूर्व में 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हुई थी। उसके बाद उसी साल 3 नवंबर को आज उनकी जोड़ी में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म लड़ाई और उनके इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दीपक शिवदासानी ने। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ आदित्य पंचोली और डिंपल कपड़िया लीड रोल में नजर आए थे। बजट रखा गया था उनकी इस फिल्म का 2.5 करोड़ और कमाए थे इसने इंडिया में से 4 करोड़ और पूर्वल में 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद 5 जनवरी 1990 को आई थी उनकी जोड़ी में बनी फिल्म प्यार का नाम कुर्बान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बब्बर सुभाष ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ डिंपल कपड़िया, डैनी और गुलशन ग्रोवर ने मुख्य भूमिका निभाई थी और बजट था उनकी इस फिल्म का 2 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 3.5 करोड़ और पूर्वल में 6 करोड़ रुपये के कलेक्शन किया था और उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। उसके बाद उसी साल 12 मार्च को आई थी उनकी जोड़ी में बनी आखिरी बॉलीवुड फिल्म दुश्मन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ आलोकनाथ, सादाशिव अमरापुरकर और रंजीत लीड रोल में नजर आए थे। बजट था उनके इस फिल्म का 3 करोड़ और कमाई थी इसने इंडिया में से 2 करोड़ और पूर्वल में 3.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। उसके बाद 6 अप्रैल 1990 को आई थी उनकी बंगाली फिल्म अंधो विचार और उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने और प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के अलावा तनुजा, विप्लव चट्टोपाध्याय, सादाशिव अमरापुरकर और रंजीत लीड रोल में नजर आए थे
और उनकी इस फिल्म का बजट था 1,20,00,000 और कमाई थी इसने इंडिया में से 3 करोड़ और पूर्वियल में 7 करोड़ रुपए के कलेक्शन किया था और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो दोस्तों ये थी मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के जोड़ी में बनी फिल्में। आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।